हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर जनरल नॉलेज सो आज हम लोग एक एक्सरसाइज एक्सरसाइज ट्वेंटी सेवन हम लोग ठीक करेंगे एंड एक्चुअली इसमें कुछ करना नहीं है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेसिस है और एग्जाम में हो सकता है ये आपके ब्लैंक्स uh, या फिर जस्ट फैक्ट्स की तरह आ जाए तो वॉट टू डू ड्यूरिंग अ थंडस्टॉम लाइटनिंग एंड थंडस्टॉम आर ब्यूटिफुल नेचुरल फिनोमिना लाइटनिंग यानी जो बिजली कड़कती है और थंडस्टॉम्स ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फिनोमिना है नेचर का दिया हुआ दर ऑलवेज एक्साइटस ये हमें एक्साइट करते हैं ओके इन समे बट एट द सेम टाइम दे आर डेडली टू एट द सेम टाइम ये खतरनाक भी हो सकते हैं इफ यू आर एवर कॉट इन थंड अगर आप कभी भी किसी थंड हैं तो हमेशा काम रहिए और कभी पैनिक नहीं करना है लेट्स रीड अबाउट सम डूज एंड डोंट्स दैट वी शुड बी फॉलोडी फॉलोड ड्यूरिंग अ थंडस्टॉम चलो हम लोग कुछ डूज यानी जो चीजें करनी चाहिए एंड डोंट्स जो नहीं करनी चाहिए उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें थंडस्टॉम में करनी चाहिए ओके सो इन केस यू आर इन साइड यानी आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज कीप विंडोज क्लोज ए हमेशा विंडोज से दूर रहना है खिड़कियों से दूर रहना है और अपनी खिड़कियां बंद करके रखनी है ओके डोंट टच एनी मेटल और इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट मेटल जो हम बिजली होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसीलिए हमें उसे टच नहीं करना है और कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट को भी टच नहीं करना है डू नॉट प्लग और अनप्लग एनी डिवाइस ड्यूरिंग अ थंडस्टॉम किसी भी डिवाइस को प्लग यानी कि स्विच के अंदर प्लग करना या अनप्लग करना नहीं होता है ठंडा स्टॉम के टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी उससे अट्रैक्ट हो रही हो स्टे आउट ऑफ द टब और शावर एंड अवॉइड इंडोर स्विमिंग पूल्स पानी यानी बाथटब्स हमारे शावर्स और स्विमिंग पूल्स पानी भी एक तरह से uh, बिजली को कंडक्ट करता है इसीलिए उससे भी हमें दूर रहना है ओके इफ यू आर आउटसाइड अगर आप घर से बाहर हैं स्टे अवे फ्रॉम द आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट सच एस ट्रीज एंड लाइट पोस्ट जैसे आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट uh, उनसे आपको दूर रहना है जैसे कि ट्रीज हैं लाइट पोस्ट हैं इन सब चीजों से आपको दूर रहना है मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इफ यू आर विद अ ग्रुप ऑफ पीपल सोशल uh, डिस्टेंसिंग आप जानते ही हैं तो डिस्टेंस भी समझ गए होंगे आप लोगों को एक दूसरे से दूर रहना है क्योंकि गॉड फॉर बिट अगर किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो इट कंडक्ट ये एक से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होता है तो आपको एक दूसरे से दूर रहना है ओके okay? रिमूव योर बैक पैक इफ इट हैज अटल फ्रेम अगर आपके बैग में एक मेटल फ्रेम हो जैसे मैंने आपको बोला मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अगर उसमें एक मेटल फ्रेम हो तो हमें उससे तूर रहना है स्क्वाड डाउन विथ योर फीट टूगेदर योर हैड टू योर चेस्ट एंड योर हैंड कवरिंग योर ईयर ये एक सेफ जोन पोजिशन है जो आपको थंडा स्टॉक में काम आ सकती है स्क्वाट डाउन यानी जैसे ये पिक्चर में आ, बैठे हुए हैं उसकी तरह से बैठना है आपको आपकी फीट टुगेदर दोनों फीट्स को साथ में रखे आपका हेड जो आपका सर है उसको चेस्ट की तरफ टक करना है और आपके दोनों कानों को बंद कर लेना है ओके okay? सो so, ये एक पोजिशन है जहां पे मतलब कभी भी आप थंडस्टॉम में फंसे तो नहीं लेकिन अगर आप इस कंडीशन में होते हो तो एक सेफ जगह पे जाके इस पोजीशन में आपको बैठ जाना है एंड यू हैव टू डू नथिंग ओके सो दिस इज इट व्हाट इफ व्हाट टू डू ड्यूरिंग अ थंडस्टॉम एंड हम लोगों ने समझ लिया कि हमें क्या क्या करना है सो विल बी सेफ सो दिस इज इट फॉर द वीडियो टूडे एंड विल इन द नेक्स्ट वीडियो देन बाय बाय